मेरा ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि मैं उसको बार बार इस मूवी को कंपेयर कर रही थी जो ओरिजिनल मौला जट थी जो 1979 में आई थी, और उसमें एक जो एक फंडामेंटल फ्लॉ था मेरे लिए इस मूवी में वो ये था कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत ब्लैक एंड वाइट थे. जो ओरिजिनल आपकी मौला जट है वो पूरी मूवी ही दो कैरेक्टर्स के बारे में है, मौला जट और नूरीनाथ. और नूरीनाथ जो उस मूवी में अगर आप उसको दोबारा देखें तो वो विलन नहीं है, वो एक एंटी हीरो है, वो एक मेन कैरेक्टर है. बल्कि उसमें एक बड़ा अच्छा एक सीन होता है जिसमें मौला जट और नूरीनाथ जो होते हैं वो पहली दफ़ा जब मिलते हैं उनको पता नहीं होता वो कौन है, उनको नहीं पता होता एक दूसरे के बारे में, और वो दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एक एक लेवल ऑफ अप्रिसिएशन होती है. राइवलरी भी होती है पर एक लेवल ऑफ अप्रिसिएशन भी होती है, और पूरी मूवी उनके बारे में होती है. बल्कि बड़े शुरू में वो मूवी में मिल जाते हैं, जेल भी साथ जाते हैं, हॉस्पिटल भी साथ जाते हैं, गाना भी साथ गाते हैं. लेकिन इस मूवी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये था उनकी बॉन्डिंग, कि इनकी रिलेशनशिप दिखाई नहीं. और मेरे ख्याल से क्यों नूरीनाथ और इनकी जो पहली दफ़ा जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं वो मूवी में इतनी लेट जाके इंटरेक्शन होती है कि मेरे लिए एक बहुत एक एक इशू था, क्योंकि मैं इन दोनों की रिलेशनशिप देखना चाहती थी. और इस मूवी में नूरीनाथ का जो कैरेक्टर था वो एक विलन का था थोड़ी सी, बल्कि हम बाद में कह रहे थे मुझे सारे नाथ इतने कार्टूनिशली विलन लग रहे थे. जो क्या नाम था वो नूरीनाथ के भाई का, छोटे भाई का, मक्कू, अगेन मेरा ख्याल है आप लोग बहुत क्रिटिकल हो रहे हैं नीडलेसली. आप लोग पाकिस्तानी फिल्में देखते नहीं, और जनरली इतनी फिल्में बॉलीवुड फिल्में बनी है और पाकिस्तानी फिल्में खासतौर पर देखें, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है और जो आप इतने क्रिटिकल हो रहे हैं शायद आप ना हो. खासतौर पर जो रीमेक्स बनती है ना, द लेजेंड ऑफ मौला जट, उन्होंने खुद कहा हमने प्लॉट बदला है, हमने उसमें एम्फेसिस किस चीज को देना है किसको नहीं हमने वो तब्दील किया. एंड आई थिंक ये फिल्म मेकर का प्रेरोगेटिव होना चाहिए. वो एक नई फिल्म बना रहे हैं, अपने विजन से बना रहे हैं, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों पर फोकस किया. सवाल मेरे लिए एज ऑडियंस ये होता है कि वॉज दैट इफेक्टिव और नॉट, और मेरी नज़र में वो बिल्कुल इफेक्टिव था.